हरियाणा मथुरा हर जगह की जल्द से दुनिया बना। अगर हमारे पास नोट है, अगर जल नहीं है तो सारा बेकार है। जिंदगी से लेकर मरण तक हमें जल के जरूरी है और बिहार में हम 90% देखते हैं कि जल बर्बाद हो रहा है। इसी से जाते हैं, साइकिलें से जाते हैं, एक दिन में 100 किलो चलाते हैं। और यहाँ पे जो हम अभी साल भर से जो रह रहे हैं, यहाँ पे जितनी लवारिस लाश होता है वो गांधी मैदान में हमारे के जानते हैं कि बाबा के बुलाओ तो उठवाने के। यहाँ पे भी हम मदद कर रहे हैं। विकलांग तो हम पैर से है लेकिन ये दिमाग से विकलांग नहीं। और यही बात तो नीतीश कुमार भी बोलते हैं कि धन सत्ता कर लेके का। नहीं नहीं, ये लोग का धन के मतलब है गुरुदेव, ये नाम से नहीं जीते। इन लोग का नोट चाहिए लेकिन हमने अपने नाम से जीते। किसान शरीर से भले ही विकलांग हो सकता है लेकिन उनकी सोच दुनिया के सामने एक स्वस्थ सेहत और जिस्म लेकर के पहुंचती है। और ऐसा ही संदेश देता है इस रिक्शा पे बैठे हुए एक विकलांग गिरी बाबा हैं, जो ये संदेश दे रहे हैं कि जिंदगी जो है वो पानी से बची हुई है, जल से बनी है दुनिया, और इस दुनिया को बचाना, आप अपने आप को बचा करके रखेंगे, यही सबसे बड़ा संदेश है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो ट्राइसिकल है उस पर इन्होंने एक बोर्ड लगाया और लिखा है किसी को दान देना या मदद करना कभी बर्बाद नहीं जाता है, उसका फल जरूर मिलता है। यदि आप अपने जीवन में किसी गिरे को नहीं उठाए, किसी भूले भटके को सही राह नहीं चलाए, फिर तीर्थ करें या मंदिर जाएं, क्या होगा? ये कहा जाता है कि अगर आप किसी मंदिर में पूजा करें, किसी मस्जिद में नमाज पढ़ें, लेकिन अगर आप किसी मजबूर व्यक्ति की मदद नहीं करते हैं तो शायद आपका ये सारा करना जो है व्यर्थ जाएगा, बर्बाद जाएगा। और बाबा यही संदेश दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार गिरी। ये संदेश लेकर के कब से चल रहे हैं? ये हमने आज 10 साल से गुरुद्वारे लेकर चल रहे हैं जी। हरियाणा मथुरा हर जगह की जल से दुनिया बना। अगर हमारे पास नोट है, अगर जल नहीं है तो सारा बेकार है। जिंदगी से लेकर मरण तक हमें जल के जरूरी है और बिहार में हम 90% देखते हैं कि जल बर्बाद हो रहा। और यहाँ पे हमारे नीतीश चाचा जल जीवन हरियाली के नारा लगाते हैं, लेकिन जल जीवन हरियाली जो है सरकार की एक योजना है। हाँ, लेकिन हर जगह जगह मोड़ पे हम देखते हैं कि जल हमारा बिहार में जितनी बर्बाद होता है तो उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, हरियाणा में नहीं होता है। आप मूलतः है कहाँ के रहने वाले? सासाराम रोहतास जिला के। कहाँ कहाँ घूमे हैं? हमने मथुरा, हरियाणा, पंजाब सगरों घूम चुके हैं गुरुदेव। वहाँ भी यही संदेश देते हैं आप? हाँ, जल बचाना। वहाँ जाते कैसे हैं? इसी से जाते हैं, साइकिलें से जाते हैं, एक दिन में 100 किलो चलाते हैं इस मन। और यहाँ पे जो हम अभी साल भर से जो रह रहे हैं, यहाँ पे जितनी लवारिस लाश होता है वो गांधी मैदान में हमारे के जानते हैं कि बाबा के बुलाओ तो उठवाने के। यहाँ पे भी हम मदद कर रहे हैं इस मन। आप विकलांग हैं, आमतौर से कहा जाता है कि जो विकलांग होते शारीरिक तौर पे वो तो विकलांग तो हम पैर से है लेकिन ये दिमाग से विकलांग नहीं है, दिल से। हाँ, अभी भी हम 2-4 आदमी के खाना जरूर खिलाते हैं क्योंकि हमने अपनी दुकान लगा के 2-4 आदमी की मदद करते हैं, चाहे घर पे रहे। घर पे अभी भी जाइए तो 250-250 पेड़ लगाए होंगे और भी फल के पेड़ लगाते हैं। नीतीश चाचा देखिए जंगल के पेड़ लगा चुके हैं लेकिन हम जंगल के पेड़ नहीं लगाते। हम जो भी लगाते हैं नीम, जामुन, अमरूद लगाते हैं कि जो चलते हुए रास्ता में जो फल खा सके, चिड़िया पंछिया खा ले, तो उसमें बहुत आनंद आता हमें इस मन। कितना हजार किलोमीटर अभी तक अनुमानित घूम चुके होंगे? हम इसलिए अभी तक लखनऊ इसलिए गए, बाकी ट्रेन से गए, बंगलोर ट्रेन से गए। कहाँ कहाँ आप ट्राइसिकल से? इसलिए लखनऊ तक गए। लखनऊ? हाँ। कितना समय लगा, कितना दिन लगा? लखनऊ जाने में हमें 5 दिन लग गया था इस मन। और जो इलाहाबाद जाते हैं तो 3.5-4 दिन लगता है। माघ मेला में हर एक साल जाते हैं, मिलिट्री छावनी वहाँ के लोग जानते हैं हमें इस मन। और क्या संदेश देंगे? नई सरकार है यहाँ, तेजस्वी और नीतीश दोनों हैं, योजना चलाते हैं। अब देखिए इन लोग अगर चाहे, अगर हमारे नेता लोग चाह जाए तो हमारे अगर बिहार में एक भी रोटी खिला बिना नहीं मरता। लेकिन आज बेरोजगारी हमारा क्यों बढ़ गया? बहुत सारे लेबर कहते हैं कि बाबा काम नहीं मिल रहा, तो इसमें बालू बंद हो जाता है, पहाड़ बंद हो जाता है, तो इसमें कहाँ से काम मिलेगा, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगा। नीतीश चाचा का हमने देखते हैं कि 20 साल गद्दी पर बैठे, पुल और रोड बनवा दिए लेकिन एक कंपनी कहीं नहीं खुलवा पाए इस मन। ये भी चिंता आपको है कि लोगों को रोजगार नहीं, रोजगार नहीं मिल रहा? मतलब आप सबकी चिंता कर रहे हैं? सबके चिंता, क्योंकि हमारा भाई है, पड़ोस है। अगर हमारा बिहार आगे रहेगा तो हम और राज्य में बोल सकते हैं कि हमारा बिहार आगे चल रहा, लेकिन यहाँ तो रोटी रोटी बिना तरस रहे हैं गुरुदेव इस मन। हर लेबर चौक पे जाते हैं, कहते हैं बाबा काम नहीं मिला, सोचने के बाद हमें होता। आपने इस ट्राइसिकल के पीछे भी बहुत सारा संदेश आपने लिखा है, यहाँ पर एक झोला है और उसके पीछे आपने लिखा है कि जिंदगी धन और सत्ता के संचय का नाम नहीं है। और यही बात तो नीतीश कुमार भी बोलते हैं कि धन सत्ता कर लेके का। नहीं नहीं, ये लोग का धन के मतलब है गुरुदेव, ये नाम से नहीं जीते। इन लोग का नोट चाहिए,
लेकिन हमने अपने नाम से जीते हैं। ये कभी अभी देखिए सुशील मोदी के बहन हमें जानते हैं। अच्छा। रेखा जी कि यहाँ पे एक बूढ़ी माता थी, हमने कई दिन सेवा किए अपने हाथे, उसे नहवाना धोवाना हगल फेंकना, मर गया तो उसे हमने थाना में जाकर कहे तो ले जाकर फुकवाई भी दी। तो इन लोगों ने सत्ता के लिए पीछे भाग रहे, लेकिन हमें सत्ता के लिए नहीं भागते। बचपन से हमने यही ठाने हैं कि गरीबों की सेवा करना सबसे, मनुष्यों की सेवा करना सबसे हमारा उत्तम है। इसमें जल जीवन वाला जो पैगाम आप दे रहे हैं, हाँ, जल हमारा शुरू से अंत तक, कि जल नहीं रहेगा तो हम लोग बच नहीं पाएंगे। नोट तो 10 दिन रख सकते हैं, लेकिन जल हमारे धरती से निकलता है तो 1 दिन के बाद दूसरा का दिन खराब हो जाता है, तो जल हमें बचाना बहुत जरूरी है इसमें। और देखिए ये बाबा अपनी गाड़ी पर छोटा सा एक डोलची रखे हैं और कुछ दवाएं हैं और थोड़ा सा कपड़ा लगता, और ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें रख रखा है। ये लखनऊ भी जा चुके हैं और कई ऐसे राज्य में ये जा चुके हैं, इस तरह का ये पैगाम दे रहे हैं लोगों को, बता रहे हैं। इन्होंने ट्राइसिकल से ही लखनऊ का सफ़र किया है और इनका कहना है कि सरकार जो योजना चलाती है बिहार में, खासतौर से जल जीवन योजना चलती है, उससे खास लाभ नहीं मिलता है, इसलिए कि अगर ज़िंदगी बचानी है तो जल को बचाना ज़रूरी है, यानी पानी की हिफाजत ज़िंदगी की सुरक्षा की गारंटी है।